फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 का मैथ यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और हमने एक पॉइंट एक कंप्लीट पढ़ ली थी और आज एक पॉइंट दो का हमने पहला सवाल भी कंप्लीट पढ़ लिया था। आज एक पॉइंट दो का दूसरा और तीसरा सवाल मैं कम्प्लीटली आपको सारे इसके पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना, आपको ए टू जेड समझ में आएगा, ठीक है? एनसीईआरटी बुक है आपकी, ये स्पेशल यूपी बोर्ड में चल रही है और हम इसे करा रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो दूसरे सवाल में हमें तीन पार्ट मिले हैं। कितने पार्ट मिले हैं? तीन पार्ट, जिसमें से मैंने पहला पार्ट यहाँ पर लिखा है, दो अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है? जैसे करूंगा ये वाला, ये कंप्लीट होगा, फिर दूसरा लिख देंगे, फिर तीसरा, इस तरीके से। तो क्या कहा है, देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा HCF के है। हमें जांच भी करना है सवाल को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या HCF गुणा HCF के, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इसका क्या कर लूंगा मैं, HCF और LCM, ठीक है? तो किससे कर लेंगे? गुणनखंड विधि से कर लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, तो सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे दो से, दो ही करना दो, अब इसमें देंगे दो क्या छः, अब किससे जाएगा ये 13 से जाएगा, ये कंप्लीट फैक्टर हुए हमारे। अब 91 करेंगे, किससे देंगे पहले, दो से जाएगा नहीं, तीन से देंगे, तीन से नहीं जाएगा, फिर पाँच से देंगे, पाँच से नहीं जाएगा, फिर सात से देंगे, सात कितना, सात बचा कितना दो, तो सात या 21 और 13 का ना 13, इसके भी फैक्टर कंप्लीट हुए। आज 26 के आगे 26 के फैक्टर लिखेंगे और 91 के फैक्टर 91 के आगे, ठीक है? लिखेंगे HCF बराबर, देखो क्या मिला 13, तो 13 इसका LCM हो गया, ठीक है? चलिए, LCM कितना होगा, जो मिला वो तो आएगा 13 गुणा, जो नहीं मिला वो भी गुणा कीजिए, 7 × 2 = 14 की गुणा 13 से कर दो, 13 × 4 = 52 ऐसे लगे 5, और 13 × 5 = 18 182। आप जरूरी नहीं 13 से करें, आप सिंगल भी करके कर सकते हैं, आप आना चाहिए बस, ठीक है? तो ये हमारे LCM और HCF निकल गए, ठीक है? ये काम आप चाहे तो अपने फेर से इधर कर सकते हैं या फिर आप रख में कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, कोई इसमें नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, ठीक है? अब इसके नीचे जो करना है वो आप इसके नीचे करेंगे, है ना? ये काम ऐसे कर लिया आपने, इसके नीचे करेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लिखेंगे जाँच, क्योंकि हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या HCF गुणा HCF के, है ना? तो जांच के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यही ये एक फॉर्मूला भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी थी हमारी, पहली संख्या 26 गुणा दूसरी संख्या 91, LCM कितना निकल गया और HCF 13, LCM कितना निकल गया 182। दोनों चीज रख ली हमने सारी सूत्र में, अब गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो 26 की गुणा हमें 91 से करनी है, करिए 6 × 2 = 9 × 54 = 4 हंसे लगे 5, और 9 × 2 = 18 5 18 × 5 = 23, कुल आया कितना 6 × 6 = 23 2 23 66 बराबर, इसकी भी गुणा कीजिए 182 की 13 से, सिंगल कर लेंगे 6 × 8 = 24 = 4 हंसे लगे 2 5, करिए 2 8 1 6 6 और 8 और 5 13 3 हंसे लगा 1 1 2 3 6 6, ये हमने गुणा भी कर ली,
ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, ये रफ कार्य है हमारा। देखो दोनों बराबर आए, इनका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आया, एस एफ गुणा एस एफ के बस लिख देंगे, क्योंकि जो कि सत्य है बस। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। हमें क्या करना था, एस एफ करना था, एलसीएम करना था, और हमें बताना, जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या एलसीएम गुणा एस एफ के। हाँ है, हमने लिख दिया जो कि सत्य है। ठीक है, अब करता हूं मैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल क्या है कि 510 और 92, ठीक है, तीनों पार्ट में यही थ्योरी है तीनों पार्ट की। ठीक है, मैंने एक एक पार्ट कर रहा हूँ लेके, मैं आप बुक उठाएंगे आपको बुक में स्पष्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए दूसरे के ये तीन पार्ट हैं, पहला मैंने कर दिया, दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 510 और 92 के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर निकालिए 510, देखो सबसे पहले दो से काटेंगे, दो दुनी चार, बचा कितना एक, कितना हो गया दस, दो पंजे दस, बचा कितना एक, कितना हो गया दस, दो पंजे दस। अब दो से तो जाएगा नहीं, देखो लास्ट में पाँच आ रहा है ना, तीन से जाएगा, पाँच से चला जाएगा, पाँच पंजे पच्चीस और पाँच का ना पाँच, फिर देखिए क्या तीन से चला जाएगा क्या, बिल्कुल तीन का ना तीन, और बचा कितना दो, तीन सत्तर इक्कीस, सत्रह, सत्रह से जाता है, सत्रह का ना सत्रह। तो ये हो गया हमारे 510 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अब कीजिए 92 के, करो दो से चला जाएगा, दो चौक आठ, एक बचा दो छक बारह, दो से चला जाएगा, दो दून चार और दो तीन छः, तेईस से, तेईस केवल तेईस से जाएगा क्योंकि तेईस किसी का पढ़ा में नहीं आता है, तो तेईस का ना तेईस। हमारा फैक्टर कंप्लीट हुए। अब इनके आगे लिखिए, इनके फैक्टर 510 के 510 आगे लिखिए, लिख दिए। अब 92 के लिखिए, ठीक है, अब लिखिए एच सी एफ बराबर क्या मिला, देखो एक दो ही मिला, तो दो इसका क्या हो गया एच सी एफ आंसर। अब लिखिए एल सी एम, एल सी एम देखो जो मिला वो तो एक बार, और जो नहीं मिला वो भी, तो पाँच गुणा तीन गुणा सत्रह गुणा दो गुणा तेईस, इस सब की गुणा कीजिए। देखो दो की करो, दो पंजे दस, दस तिया तीस, और तीस दुनी साठ, साठ की गुणा सत्रह से कर लो पहले और फिर तेईस से कर देंगे। ठीक है, चलिए जीरो सात छम बयालीस गुणा जीरो छ, जीरो दो और छ चार दस, एक हजार बीस आया, उसकी तेईस से गुणा कर दो, तेईस से जीरो छः जीरो तीन जीरो चार जीरो दो जीरो छः चार तीन दो, कितना आया तेईस चार साठ, यानी कि 23,460 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम भी कर लिया। चलिए ये रखता, आप गुणा कर लेंगे आराम से, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये भी रफ कार्य में कर सकते हैं आप या फेर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे इसकी जांच, क्या करेंगे जांच बनाएंगे हेडिंग जांच, फिर से वही सूत्र लिखेंगे दो संख्याओं का, शॉर्ट में कर दो है ना, दो संख्या मतलब पहली संख्या एन वन गुणा एन टू है और बराबर एल एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है, ये दो जो शॉर्ट में हमने बड़ी थ्योरी लिखी थी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर, तो देखो ये शॉर्ट में लिख दिया दो संख्या, पहली एन वन एन टू और गुणनफल मतलब गुणा, दो संख्या का गुणनफल बराबर एस एफ गुणा एस एफ। ठीक है, पहली संख्या देखिए 510 गुणा दूसरी 92 बराबर एल एस एफ कितना आया दो, एलसीएम कितना आया 23,460 गुणा कीजिए इसकी से कीजिए, तो यहाँ से कर लेता हूँ मैं 510 की 92 की, करो जीरो दो दस जीरो नौ अनुपंजे 45
जीरो दो नौ छः चार, ये तो इसकी आई 40 नौ दो जीरो। इसकी भी करो 23 चार साठ जीरो पे 200 जीरो, छत्तीस बार का दो हासिल हुआ एक, चार दूनी आठ नौ, तीन दूनी छः और दो दूनी चार, उसकी भी कितनी आई ये। अब देखो दोनों बराबर आए ना, दोनों बराबर आए आप देख सकते हैं, तो हम लिख देंगे जो कि सत्य है, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। आपको एक दो बार करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गुणा भाग में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप पे कंप्लीटली आते चले जाएंगे। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा सवाल है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम, वही बात करनी है जो ऊपर वाले में करनी है तीनों पार्ट में। तो क्या करेंगे इसके पहले फैक्टर करेंगे, चलिए फैक्टर करते हैं। कालिए दो से घटने के पहले दो एक ना दो बचा एक, कितना हो गया 13, दो छः बारह बचा एक, दो अट्ठे 16, फिर दो से चला जाएगा दो अट्ठे 16, दो चौक 8, फिर दो से चला जाएगा दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से चला जाएगा दो दूनी 4, दो एक ना दो। अब दो से नहीं जाएगा, अब जाएगा तीन से करेंगे, तीन सत्ते 21 और साथी का ना 7। कंप्लीटली हो गया हमारे फैक्टर, जब एक आ जाए बस वही लोग करते हैं, ठीक है। अब करेंगे 54 के, दो से जाएगा दो दूनी 4, दो सत्ते 14, तीन से जाएगा तीन नौ 27, फिर तीन से जाएगा तीन तीन नौ, फिर तीन से जाएगा तीन गना तीन। और आपको ये फैक्टर चेक करने हैं कि फैक्टर सही है या नहीं है, तो कैसे करेंगे देखो, तीन के नौ नौते 27, 27 दूनी 14, ऐसे ऐसे 7 के 21, 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, इस तरीके से ये सारे चेक कर लेंगे। इनके फैक्टर के आगे लिखिए दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा 7, सही है। अब करेंगे 54 के फैक्टर, 54 के आगे दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, सबके दोनों के फैक्टर लिख दिए। अब देखेंगे एच सी एफ, जो कॉमन होगा वो एच सी एफ होगा हमारा, ये एक तो दो कॉमन है और एक देखो तीन कॉमन है, तो दो गुणा तीन, और कुछ कॉमन है क्या आपस में, नहीं है, तो ये हमारा हो गया एच सी एफ, ठीक है। अब लिखेंगे एलसीएम, एल सी एम, जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी, तो यू तो वाला कॉमन नहीं है वाला, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तीनों ये आगे यू कॉमन नहीं है 7, और तीन ही वाला कॉमन नहीं है, और एक ही वाला तीन कॉमन नहीं है, ठीक है। आगे अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, दो तीन छः, छः दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 7 तिया 21, और 21 तिया 3, 6, 63, 48 की गुणा 63 से कर दो 8 के 24 का 4 हासिल होगा 2, और 3 चौक 12 और 2 14, 8 6 48 का 8 हासिल होगा 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल होगा 1, और 8 1 9 10 0 और 2 और 3, यानी कि कितना हो गया आंसर हमारा 3024 हमारा इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसे भी हटा देते हैं, ये भी आप रफ में करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे नीचे, अब नीचे करेंगे इसके ना, मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि इधर बोर्ड पे आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। जांच N1 गुणा N2 बराबर SCF गुणा LCM, रखिए N1 पहली संख्या यानी कि 336 गुणा दूसरी संख्या 54, SCF कितना निकल का आया 6 गुणा LCM कितना निकल का आया 3024 करीब गुणा, इसकी से आपस में गुणा कीजिए, यहाँ कर दूँ मैं, है ना, यहाँ कर देते हैं किसकी 54 की, 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 से 12 तो 14, 4 हासिल लगा 1, 4 से 12 13,
छब्बीस में 30 का 0 हंसी लगा, 3 5 से 15 3 18 का 8 हंसी लगा, 1 5 से 15 1 16 4 4 1 8 इसकी गुणा कर गई ये, इसकी संख्या ये छचुक इसके डायरेक्ट कर दोगे, छचुक 24 का 4 हंसी लगा, 2 छत्तीस 12 2 14 का 4 हंसी लगा, 1 6 0 6 0 0 1 और 36 18 ठीक है। चलिए देखो ये और ये बराबर आया तो इसका मतलब है हम लिख देंगे जो कि सत्य है। जांच भी कर दी ना हमने कैसा है क्या नहीं है, तो है तो हमने लिख दिया जो कि सत्य है ठीक है। तो इस तरीके से आपके दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम सवाल नंबर 3, उसके भी सारे पार्ट करेंगे ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो नीचे लिखे हुए हैं 3 सवाल है, ये आपको बुक में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 1.2 में तीसरे सवाल में ये 3 पार्ट है, 1 2 3, मैं तीनों पार्ट करूँगा ठीक है। चलिए तो पहला पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। चलिए और अभाज्य गुणनखंडन विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड करके ही निकाल लेते हैं ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 12 के निकाल लेंगे, 12 2 से चला जाएगा, 2 6 12 फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 से 3 करना 3। इसके फैक्टर देखो, 12 में 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 6 बार, 6 में 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, 3 में भाग किससे दिया, 3 से 1 बार, बस इतना करना होता है। अब 15 में करिए, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं 3 का जाएगा, 3 5 15 और 5 ही करना 5, 5 में किसी और से भाग जाएगा नहीं 5 के अलावा ठीक है। अब 21 में दीजिए ऐसी, 3 से जाएगा 21 में, 3 7 7 7, ये हमारे सारे फैक्टर हो गए हमारे यानी गुणनखंड हो गए। अब इनके फैक्टर के सामने लिखिए, 12 के 12 का आगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के आगे 15 के 3 गुणा 5, 21 के फैक्टर 21 का आगे 3 गुणा 7। अब लिखिए एच सी एफ बराबर एस सी एफ, जो कॉमन है वो एस सी एफ होगा, मिला क्या देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 क्या हो गया एस सी एफ, एल सी एम क्या होगा, जो मिला वो एक बार, जो नहीं मिला वो भी। तो देखिए 2 नहीं मिला, ये वाला 2 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, गुणा कीजिए, 3 दुनी 6 6 दुनी 12 12 पंजे 60, 60 की गुणा 7 से कर दीजिए, 0 7 6 42, 420 हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हुआ, एलसीएम 420 इन तीनों संख्याओं का और एचसीएफ 3 है ना। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर इसका पार्ट 2। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या क्या है, 17, 23 और 29 क्या करना है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ठीक है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, 17 से जाएगा 17, फिर 23 भी किसी के पार्ट में नहीं आता तो 23 ही कटेगा, 23 करना 23, फिर 29 के 29 से काटेंगे, 29 से जाएगा 29 करना 29 ठीक है। चलिए अब इसके फैक्टर इनके आगे लिखिए, 17 गुणा 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसा, 17 को मैंने 17 गुणा 1 लिखा, कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि अब भी 17 लिखा पड़ा है ना। चलिए ऐसे 23 के लिखिए, 23 गुणा 1, ऐसे 29 के लिखिए, 29 गुणा 1 लिखिए, एच सी एफ बराबर, देखो कॉमन एक ही है इसलिए ये 1 लिखा था ठीक है। अगर नहीं भी लिखते तो मैं आपको डायरेक्ट कहता कि 1 कॉमन है, आप कहते सर 1 कहाँ है, तो भाई 1 ऐसे कॉमन है ठीक है। आपने देखो अब भी 17 लिख रहा, 23 का 23 लिख रहा, 29 का 29 ही लिख रहा है, तो आपको दिखाने के लिए कि एक कॉमन होता है इसलिए लिखा था ठीक है। एक ऐसे हुआ एल सी एम, एल सी एम क्या हुआ, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों के आप गुणा कर देंगे आपका एल सी एम आ जाएगा, गुणा कीजिए,
पहले 23 की 17 से कर लीजिए, 7 21 का 81 लग दो, 7 2 14 और 2 16 होगा, 1 ऐसे ही 2 ऐसे ही, 1 9 3, 391 की गुणा आप 29 से कर दीजिए, वही गणा 9 81 का 8 9 27 और 27 और 8 35 गुणा 2 ऐसी, 9 2 18 का 8 लगा 1 3 9 6 7 जोड़िए 9 3 8 5 13 का 3 लगा 1 7 3 10 11 कितना मिला 1 1 3 3 9 यानी कि 11,339। हमारा इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर ये सेकंड तीसरे का सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ, ये रफ कार्य है। ठीक है, ये फिर कार्य है, आपको ये रफ में करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट। तीसरे का तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले फैक्टर करेंगे 8 के। 8 कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 6 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, ऐसी 9 के करेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि देखो 2 6 8 1 बच गया, इसलिए 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 1 3, तो 25 के करेंगे ऐसे ही। 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 1 5, सबके फैक्टर आपके पास है, यानी गुणनखंड आपके पास है, सबका के लिखिए। 8 के 2 गुणा 2 गुणा 9, 9 के लिखिए 3 गुणा 3, 25 के लिखिए 5 गुणा 5, लिखिए HCF। देखो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, इसका HCF क्या होगा, 1, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। आप चाहे तो गुणा यहाँ 1 लगा लीजिए, यहाँ 1 और यहाँ 1, और ये क्या हो गया कॉमन। ठीक है, इस तरीके से LCM, LCM क्या होगा, देखो ये 2 भी आएगा, ये 2 भी, ये 2 भी, 3 भी आएगा ये वाला, ये भी 3, और 5 भी, और 5 भी। अब सबकी गुणा कर दीजिए, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 और 5 5 25, और 25 3 75, 75 की गुणा 24 से कर दो, 4 5 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 6 28 कर दो 30, 5 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 14 1 15, 0 0 कितना आ गया 1800, कितना आया आंसर 1800 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो सवाल नंबर ये तीसरा भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 भी इसी में कर देता हूँ क्योंकि शॉर्ट सवाल है और इसी का जैसा सवाल है। ठीक है, इसलिए चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आज का लास्ट सवाल है, और क्या कह रहा है, HCF ब्रैकेट 306,657 ब्रैकेट 1 बराबर 9 दिया है, यानी कि आपको 2 संख्याएं दी हैं और उसका HCF दिया है 9। आगे LCM, LCM निकालना है किसका, 306,657 ब्रैकेट 1 याद कीजिए, यानी कि LCM निकालना आपको इन संख्याओं का, और इन्हीं संख्याओं का आपको दिया है HCF 9। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, आप जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये सूत्र मैंने पिछले भी बताया था आपको, अभी पिछले साल में आया था जब, कि ये सूत्र भी है, आप ये कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, सूत्र भी है, और चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं N1 गुणा N2 बराबर HCF LCM। ठीक है, ये सूत्र है। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर HCF कितना दिया 9, हमें LCM निकालना। ठीक है, तो इस सूत्र में हमने ये डाल दिया, इसी सूत्र में डाला है, आप देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये दोनों सूत्र एक ही है, ये 2 संख्याओं को मैंने, पहली संख्या को N1 कह दिया और दूसरी को N2 कह दिया। ठीक है,
अब देखो ये तो काल नाम है तो इसे ही छोड़ो, ये क्या का गुणा में इधर लड़का में जाएगा बटे में जाएगा, ठीक है। तो 306 × 657 बटे 9 बराबर LCM, ठीक है। अब देखिए 9 से ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है 9 के पड़े से, चाहे तो आप अलग अलग काट सकते हैं तीन तीन से, है ना। चाहे ऐसे देखो 3 × 3 = 9 ऐसे ऐसे काट लो, 3 करना 3 × 0 = 3 × 6 फिर 3 से काट लो इसे ऊपर वाला ये वाला के 3 × 6 3 करना 3 बचे कितना 2 3 × 9 = 27 तो आपको मिला 102 × 219 बराबर LCM। इसकी से गुणा कीजिए जो भी आएगा आंसर होगा 102 × 219 करीब हुआ 9 × 2 = 18 ऐसे लगाइए 1 × 9 = 2 0 1 × 4 0 2 8 3 9 × 4 13 ऐसे लगाइए 2 2 कितना आया आंसर 2 2 3 3 8 बराबर LCM। इसे सीधा करके लिख दीजिए LCM बराबर 2 2 3 3 8 यानी कि कितना 22338 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये LCM का ही सवाल था इसलिए मैंने इसमें करा दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं सवाल, किसी भी तरीके से का कोई भी सवाल बना सकता है एग्जामिनर। ऐसा नहीं कि यही संख्या आएंगी हल्की हल्की, है ना, भारी से भारी भी आ सकती है, हल्की से हल्की से भी। आपको बस मेथड पता होना चाहिए, आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले सवाल के साथ, ठीक है। और एक बात, अगर आपको वीडियो देखो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अपना अपना भला नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी भला करेंगे तभी हमारा भला होगा, ठीक है। तो सबको शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो, आपको पसंद आ रहा है तभी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेगी, ठीक है। चलिए जय हिंद।